हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक मेमोरीज। तो इस सीरीज में हमने मैग्नेटिक मेमोरीज जो हैं वो हार्ड डिस्क डिस्कस कर लिया था और फ्लॉपी ड्राइव भी, फ्लॉपी डिस्क भी डिस्कस कर लिया था। तो इस क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे अदर मैग्नेटिक मेमोरीज जो तुम्हारे सिलेबस में हैं। वो है मैग्नेटिक टेप, कोर एंड बबल मेमोरी। तो पहले हम मैग्नेटिक टेप डिस्कस करेंगे। तो ये तीन टाइप की जो मेमोरी हमें डिस्कस करनी है, मैग्नेटिक टेप है जो कि सीरियल एक्सेस मेमोरी है एज कंपेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड अदर काइंड ऑफ मेमोरी। जितनी भी डिस्क टाइप की मेमोरी है, डिस्क मतलब चाहे फ्लॉपी डिस्क हो या हार्ड डिस्क हो या फिर हमारा हो कॉम्पैक्ट डिस्क, दे ऑल डिस्क काइंड ऑफ मेमोरी आर रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का सेंस के किसी भी लोकेशन से डायरेक्टली जाके मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। बट मैग्नेटिक टेप दिस इज सीरियल एक्सेस मेमोरी, इट डायरेक्टली हम किसी भी लोकेशन पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैग्नेटिक टेप बेसिकली है क्या कि तुम लोगों ने ऑडियो कैसेट देखी होगी, मैग्नेटिक ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट जो टेप होता है, तो उसकी जो ऑडियो वाली कैसेट थी पहले के टाइम में चलती थी हम लोगों के टाइम, तो वो बहुत पतली साइज की होती थी। और जो वीडियो कैसेट होती थी, जो उसका टेप होता था, जो रील होती थी, वो ऑडियो का बहुत मतलब थिन टाइप का, थिन इन द मतलब कि जो ब्रेड है, चौड़ाई है, वो कम होती थी। और उसी कंपेरिजन में उसकी जो लेंथ है वो भी कम होती थी। और जो वीडियो टेप होता था वो थोड़ा थिक और ब्रॉड होता था। तो जो मैग्नेटिक टेप है हमारा फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटर पर्पज, ये भी हमारा उसी टाइप का टेप है जो जिसकी थिकनेस होती है करीब करीब 1/4 इंच, 1/2 इंच और वी कैन से 1 इंच, अप टू 1 इंच। डिफरेंट थिकनेस, थिकनेस इन द सेंस के चौड़ाई, ब्रेड। तो डिफरेंट थिकनेस या ब्रेड के टेप्स अवेलेबल होते हैं और उनकी कार्टेज होती हैं जो कि कार्टेज में लगती हैं। जैसे ऑडियो कैसेट या वीडियो में देखा होगा तो टेप तो रील के फॉर्म में होता है, लेकिन वो एक तरह से कैसेट या उस बॉक्सेस के अंदर होता था। और वीडियो कैसेट तो सभी ने देखा होगा, जो वीडियो टेप होता है, तो जो वीसीआर या वीसीपी वीडियो कैसेट प्लेयर पहले डिवाइस होती थी उससे प्ले होता था। तो यहाँ पर क्या है कि जो ड्राइव होती है इनके लिए, मैग्नेटिक टेप के लिए, वो टेप ड्राइव होती है जो उसको प्ले करती है, जो कंप्यूटर से अटैच हो सकती है। जैसे ये मान के चलो कि हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क इज कंप्लीट सेटअप। तो उसका जो सर्किट है और कंप्लीट सेटअप होता है। अगर हम सिर्फ हार्ड डिस्क या प्लेटर्स की बात करें तो प्लेटर्स तो हमारे एक सिंगल स्पिंडल पर कनेक्ट होते हैं। थोड़ा नॉर्मल पानी तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो मैग्नेटिक टेप क्या है, बेसिकली प्लास्टिक टेप है, बहुत थिन, थिकनेस उसकी बहुत कम होगी ब्रेड के कंपैरिजन में, और उसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। तो ये जो हमारा मीडियम है ये लंबी ओपन रील के फॉर्म में है, जो कार्टेज या कैसेट यानी जो टेप ड्राइव है, जिसको हम कार्टेज भी बोल सकते हैं, तो उसमें फिट होती है। और वो ड्राइव पूरी सर्किटरी के साथ, जो टेप ड्राइव है वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती है। तो ये हमारे क्या है कि जैसे
earlier time mein, hard disk was not capable enough to store the organization data. किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत सारा डेटा है वो हार्ड डिस्क उतना या स्टोरेज मीडियम अवेलेबल नहीं था, तो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता था। तो बेसिकली टेप तो हमारा ड्यूरेबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस टेप से डेटा रीड किया जा सकता है या इरेज भी किया जा सकता है, फिर से भी उस पर राइट किया जा सकता है। जैसे ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड अगर किए हो तुम लोगों ने कभी बचपन में अगर ध्यान हो, तो टेप रिकॉर्डर डिवाइस जो होती थी उसमें वो कैसेट अगर तुम लगा दो और कुछ रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड का बटन होता था, वो रिकॉर्ड हो जाता था उस पर, और दोबारा इरेज करके यानी दोबारा फिर अगर ओवर राइट करते थे तो ओवर राइट भी, मतलब उसकी कुछ एक लिमिटेशन होती थी कि कितनी बार तुम उस पर रिकॉर्ड कर सकते हो, और धीरे धीरे रिकॉर्ड करते करते उसकी सरफेस वीक हो जाती थी तो फिर वो खराब हो जाता था, लेकिन जल्दी नहीं, कई बार तुम उसको रीराइट रिकॉर्ड कर सकते थे। तो वही चीज यहाँ मैग्नेटिक टेप की है कि अगर उसको जितना ज्यादा यूज करोगे तो वो धीरे धीरे उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी कम होगी, डेटा कैन बी स्टोर्ड। तो अब इसमें क्या होता है कि जो लंबी रील है यानी टेप है तो उसको लंबाई में अगर तुम कंप्लीट मान के चलो तो हॉरिजॉन्टली उसमें क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब कि पूरी लंबाई में एक किनारे से दूसरे किनारे तुम जाओगे तो वो एक ट्रैक होगा, और वर्टिकली वर्टिकली अगर उसमें जाओगे तो वो हमारे फ्रेम्स बनेंगे। जैसे उसको ऐसे मानो कि अगर सपोज करो कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक टेप, जैसे मैं कागज में बता रहा हूँ तो इसको मैं एक, जैसे सपोज करो कि लंबाई में टेप्स है तो जो ट्रैक है वो एक किनारे से चलो तुम तो वो पैरेलल लाइन जो है दूसरे किनारे तक जाएगी, दिस इज ए ट्रैक। तो डिफरेंट ट्रैक्स होंगे, इस पे डिफरेंट ट्रैक्स हो जाएंगे, और जब ये ट्रैक हो जाएंगे तो इसको वर्टिकली अगर ऐसे मानूं इस तरह तो ये फ्रेम हो जाएंगे वर्टिकली इस तरह। तो जो हमारा फ्रेम है किसी ट्रैक पर, फ्रेम फ्रेम का मतलब कि ये वर्टिकल लाइन होंगी, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच अगर तुम डेटा देखो तो वो वन बाइट डेटा स्टोर होता है। तो कोई भी फ्रेम वन बाइट का डेटा स्टोर करता है, कंप्लीट फ्रेम। तो इस तरह हमारा जो कंप्लीट फ्रेम अगर वन बाइट डेटा स्टोर करता है, और एक मतलब दो ट्रैक के बीच, मतलब दो फ्रेम के बीच सिंगल ट्रैक पर देखोगे तो वो वन बिट स्टोर करेगा। मतलब क्या है कि जो फ्रेम बना पूरा ऊपर से नीचे तक, उसमें मतलब कि दो फ्रेम, एक फ्रेम है तो दो वर्टिकल लाइन के बीच बनेगा, तो कंप्लीट अगर ऊपर से नीचे तक देखो तो उसमें वन बाइट डेटा आएगा, लेकिन अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में एक सिंगल ट्रैक देखोगे तो वन बिट आएगी। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। तो डेटा हमारा जो स्टोर होता है वो सक्सेसिव मतलब कि कंटिन्यूस फ्रेम में स्टोर होता है, और जो टेप की साइज है वो हाफ इंच, हाफ वन फोर्थ इंच और वन इंच, अलग अलग साइज के टेप और अलग अलग साइज की कैसेट, मतलब टेप ड्राइव, जस्ट लाइक द ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट दोनों की साइज अलग होती है। तो यहाँ वैरायटी ऑफ टेप एंड वैरायटी ऑफ ड्राइव्स आर देयर। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो डेटा स्टोर होगा वो रिकॉर्ड के फॉर्म में होगा, कोई वन बाइट टू बाइट डेटा तो होता नहीं, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। तो इसमें टेप में क्या होता है कि जब एक रिकॉर्ड उस पर राइट हो जाता है तो फिर उस रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड आएगा, तो दो रिकॉर्ड के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस यानी सर्टेन गैप होता है, ब्लॉक एंड रिकॉर्ड। तो जो डेटा होता है वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है, तो ब्लॉक है हमारा जो ग्रुप ऑफ डेटा है उसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो जितने ही ब्लॉक इस पर टेप पर रीड या राइट होंगे तो वो कंटिन्यूस होंगे, कंटिन्यूस मतलब सीक्वेंशियल होंगे। अगर रिकॉर्ड नंबर वन है और रिकॉर्ड नंबर टू है, इस तरह अगर 20 रिकॉर्ड हैं, 20 है,
और अगर हम रिकॉर्ड नंबर 1 पर हैं तो हमें रिकॉर्ड नंबर 18 पर जाना है, तो हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, उस पूरे टेप को वो रोल अप करना ही पड़ेगा ड्राइव के थ्रू, जो ड्राइव है वो पूरे टेप को रोल अप करके तब 18 नंबर पर जाएगा। हार्ड डिस्क वगैरह में तो ये है कि डायरेक्टली जिस ट्रैक पर जाना है तो ट्रैक वो हेड है, हेड उस ट्रैक पर मूव कर जाएगा, और उस ट्रैक पर जो सेक्टर हमें रीड या राइट करना है तो वहां पे हार्ड डिस्क रोटेट करके हेड को पोजीशन कर देगी। तो दो रिकॉर्ड के बीच एक सर्टेन गैप होता है, मतलब बहुत माइन्यूट सा गैप, जिसको हम बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप बिटवीन टू ब्लॉक्स, जिससे कि जब रीडिंग राइटिंग होती है तो जो गैप मिलता है उससे कंप्यूटर्स यानी सीपीयू को पता चलता है कि वहां पर डेटा नहीं है। तो उस गैप में हमारा जो टेप है मतलब जो ड्राइव है वो सर्टेन टाइम के लिए रुकती है वहां पर, बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कि अगर वहां से रीड राइट करना है तो ठीक है। क्लास के बाद क्या है कि अटेंडेंस डाल देना ग्रुप में। अब टेप ड्राइव की बात करते हैं, तो टेप ड्राइव जैसे कि अभी मैंने बताया, तो टेप ड्राइव क्या है कि जिसमें हमारा ये रील यानी टेप माउंट होता है। तो टेप ड्राइव में क्या क्या होता है, सप्लाई रील मतलब जो रील है हमारी जो मैग्नेटिक टेप है यूज कर रहे हैं, और रीड राइट हेड होता है उसमें। जो सप्लाई रील है और टेकअप रील का मतलब ये है, सप्लाई रील मतलब वही कि जिसपे इंफॉर्मेशन रीड या राइट होता है, टेकअप रील के मतलब स्टार्टिंग की कुछ रील जो कि एक तरह से सपोर्ट के लिए उस पर लगी हुई है। टेप ड्राइव के ऑपरेशंस मतलब उस पर हम मैग्नेटिक टेप पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो जो टेप ड्राइव है वो केवल अपेंड ओनली डिवाइस, अपेंड ओनली मींस कि बीच से अगर इंफॉर्मेशन उस पर राइट करना हो सो दैट इज डिफिकल्ट वन, तो जहां तक इंफॉर्मेशन राइट हो गया उसके बाद ही इंफॉर्मेशन राइट हो सकता है, यानी अपेंड ओनली। और लास्ट में जो भी ब्लॉक मतलब जो भी कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन राइट हो गया तो उस ब्लॉक के बाद एक एंड ऑफ टेप मार्क, मतलब जो गैपिंग की हम बात कर रहे थे वो एंड ऑफ टेप मार्क वहां पर होगा, जिससे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिनिश हो रहा है, और उस गैप के बाद फिर जब नेक्स्ट रिकॉर्ड राइट होगा तो फिर वो उस गैप के बाद राइट होगा। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है। तो रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो अगर रीड हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि जो लॉजिकल ब्लॉक नंबर है वो रीड होके आएगा टैफ हेड के थ्रू, टैफ हेड के थ्रू, और जो स्पेस ऑपरेशन है वो रिलेटिव मोशन को बताएगा। स्पेस ऑपरेशन मींस कि कौन से ब्लॉक से कहां पर जाना है। अब इसमें दो टर्म आते हैं, स्टैकर एंड सिलो। तो स्टैकर क्या है कि वो टर्म यूज करते हैं उस लाइब्रेरी को जहां पर थोड़े से टेप होते हैं, और सिलो इज द टर्म यूज फॉर द लाइब्रेरी जहां पर बहुत सारे टेप यूज होते हैं। लाइब्रेरी मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जब मैग्नेटिक टेप को यूज करती है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करती है उनको मैग्नेटिक टेप को, तो उस जो टेप लाइब्रेरी है उस टेप लाइब्रेरी से और टेप ड्राइव तक, टेप ड्राइव में लगाना पड़ेगा वो टेप, तभी तो कंप्यूटर के साथ वो रीड या राइट होगा। तो जहां स्टैकर और सिलो स्टंप के लिए यूज होते हैं, जहां थोड़े से टेप हैं तो स्टैकर बोल देते हैं, जहां ज्यादा टेप हो तो सिलो। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैग्नेटिक टेप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक्सेस टाइम तो इसका ज्यादा ही होता है, दिस मींस कि ये सबसे ज्यादा स्लो मेमोरी है,
दूसरी चीज के सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है केवल इसमें, और तीसरा रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा नहीं हो सकता। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है, टेप की जितनी ज्यादा लंबाई हम मैक्सिमम कर सकते हैं तो उतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी, और डेटा ट्रांसफर रेट भी हाई होता है, कॉस्ट पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन लो होती है। मतलब अगर तुम पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालो, यानी एक अगर केबी या एक एमबी की बात करो, तो जो मैग्नेट टेप में स्टोरेज की कॉस्ट आएगी वो बाकी मेमोरी से कम होगी। तो लार्ज एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम लार्ज होता है, टेस्ट के आधार मेमोरी से ये बहुत स्लो होता है। दूसरा है लिमिटेड टू सीक्वेंशियल एक्सेस, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें केवल हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है, यानी हमें वन बाय वन वहां तक जाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो टेप को जहां तक जिस पोजीशन तक रीड या राइट करना है वहां हमें रिवाइंड करना ही पड़ेगा, उस लोकेशन तक वन बाय वन जाना पड़ेगा। तो जो फाइल फ्रीक्वेंटली अपडेट होनी है या फ्रीक्वेंटली रीड आउट डेटा है, उनके लिए मैग्नेटिक टेप डिवाइस सुटेबल नहीं है। जैसे जिनमें तुरंत एकदम सडन इंफॉर्मेशन चाहिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो या विद इन सेकेंड, तो फॉर दोज एप्लीकेशंस दिस इज नॉट सुटेबल। ये जनरली हमारा बैकअप स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जो कभी कभी जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ जाए तो उसको कंप्यूटर के साथ फिट कर लो ड्राइव में। रैंडम एक्सेस नॉट पॉसिबल। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो पहले के टाइम में क्या है कि टेराबाइट और पेटाबाइट बहुत बड़ी मेमोरी होती थी, आज के टाइम में क्या है कंप्यूटर में 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क ही आने लगी है, ठीक है ना, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आ ही रही है इजीली। पहले जब हार्ड डिस्क हमारी कुछ जीबी के फॉर्म में होती थी, 10 जीबी 20 जीबी, देन एट दैट टाइम के मैग्नेटिक टेप बस वेरी मच, एक सेकंड में जरा मोबाइल को कर दूं। ओके, हाई डेटा ट्रांसफर रेट, जो इसका डेटा ट्रांसफर रेट है वो लगभग 10 MB तक है, 10 MB पर सेकेंड। इसमें टेप की कॉस्ट तो लो है, बट जो ड्राइव यूज होती है दैट इज एक्सपेंसिव। तो अगर हम डिस्क से या और किसी मेमोरी से इसको कंपेयर करें तो टेप हमारा सबसे सस्ता पड़ता है, लेकिन जो कार्टेज है इसकी, जो टेप ड्राइव है वो एक्सपेंसिव है। कार्टेज तो चीप है, कार्टेज मतलब कि वही जिसमें टेप फिट है, बट ड्राइव जो कंप्लीट सेटअप जो कंप्यूटर के साथ वर्क करेगा, फंक्शनिंग करेगा, वो हमारा क्या है, वो एक्सपेंसिव होता है। तो यूज इसके कि मैकेनिक इकोनॉमिकल मीडियम है स्टोरेज के लिए, जो ओल्डर टाइम में मतलब कि अब नाउडेज इट इज सेल्डम यूज, जहां लार्ज डेटाबेस या लार्ज इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती थी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, वो इसको यूज करते थे एज ए सेकेंडरी और टर्सरी स्टोरेज मीडियम। तो इसका जो पर्पज है या यूज करने का, वो सिंपली वही है जो जैसे आर्चिवल डेटा, मतलब कि डेटा जिप फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में रख दो उसको, परमानेंट सेव कर दो। तो जो वॉल्यूमनस डेटा है,
मतलब लार्ज डेटा है, ज्यादा डेटा है, उसको इनफ्रीक्वेंटली जो यूज हो रहा है, मतलब जो जल्दी जल्दी यूज नहीं हो रहा, उसको इसमें स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। ऑफलाइन मीडियम है, टर्सरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं आज के टाइम में, विच कैन बी डिटैच्ड और कनेक्टेड व्हेनेवर नीडेड। और स्लो होता ही है, जैसे मैंने बताया एक्सेस टाइम ज्यादा है हमारा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरी की। मैग्नेटिक कोर मेमोरी तो ये क्या है कि जब रैम जो डेवलप हुई थी, तो रैम के पहले ये मेमोरी डेवलप की गई थी MIT यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि US में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। MIT एक बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, तो वहां 1951 में इसको डेवलप किया गया था। तो इसमें क्या था कि उस टाइम रैम जनरली हमारे उस पर चलन में नहीं थी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें क्या था कि जो मैग्नेटिक टोराइड्स यानी रिंग के फॉर्म में डेटा हमारा कोर के फॉर्म में यूज होता था, तो जो टोराइड्स यानी रिंग्स होती थी उनको मैग्नेटाइज किया जाता था और उनमें उनको थ्रेड यानी वायर लपेट के बहुत माइन्यूट सा, क्योंकि उस टाइम की मेमोरी बहुत बिग मेमोरी होती थी, कंप्यूटर एक कमरे के आकार का होता था 1951 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा सा ये इतना आज पाम टॉप और लैपटॉप ये होते नहीं था उस टाइम। तो मेमोरी भी बॉक्सेस के आकार की हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक रिंग टोराइड्स के फॉर्म में, उसमें क्या है कि बहुत माइन्यूट सा वायर लपेट के रिंग में, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता था। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की जो डायरेक्शन होती थी कि क्लॉकवाइज या एंटर क्लॉकवाइज, तो 1 और 0 इस बात पे डिपेंड करते थे कि जो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट 1 और 0 इस तरह स्टोर होते थे उसमें। ठीक है, ये जो था ये पढ़ लो इसको, जो कोर है वो 2 different way में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारी मैग्नेटाइज होती थी। तो डिपेंडिंग ऑन कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बिट है वो 0 होगी या 1 होगी, और जितनी कोर होती थी हर एक कोर 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता था। लेकिन इसमें क्या था कि अगर एक बार वो इंफॉर्मेशन रीड हो गया किसी कोर से, तो फिर वो 0 हो जाता था यानी रीसेट हो जाता था, यानी एक बार रीड किया इंफॉर्मेशन तो वो उसके बाद खत्म, फिर अगर उस पे फिर दोबारा नहीं मिलेगा वो रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन, तो उस पर क्या है कि फिर इस तरह राइट करना पड़ता था। तो इस तरह डिस्ट्रक्टिव रीड आउट बोलते थे। तो इस डिस्ट्रक्टिव रीड आउट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता था कि जो इंफॉर्मेशन रीड होने जा रहा है उसको फिर बैकअप कॉपी बना के दूसरी कोर में राइट किया जाता था। तो ये जो साइकिल टाइम था कि बैकअप पहले बनाया जाए फिर रीड किया जाए, तो ये साइकिल टाइम काफी होता था एज कंपेयर्ड विद द एक्सेस टाइम। एक्सेस करने में तो टाइम कम लगता था, लेकिन जो ये रिसाइकलिंग थी पुटिंग द बैकअप कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट वाज हाई। ठीक है, तो कोर मेमोरी फीचर्स, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती थी, और जो इसके कंटेंट्स होते थे वो परमानेंट मतलब होते थे एक तरह से विदाउट पावर। जब नॉन वॉलेटाइल है तो मतलब वही है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता था, एक सर्टेन टेम्परेचर पर वर्क करती थी। और अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती थी उससे अनइफेक्टेड होती थी। लेकिन जो अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई इस कोर मेमोरी में, तो उसको प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो जो मैंने बताया रीड ऑपरेशन, जैसे अभी बताया कि जो रीड ऑपरेशन है उसमें क्या होता था कि रीड
अगर कर लिया जाए जो डिस्ट्रक्टिव रीड होता था तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से गायब हो जाता था। तो इस प्रोसेस को है बचने के लिए कि इन्फॉर्मेशन रिटेन रहे, इससे बचने के लिए क्या करते थे कि इसको रिसाइकिल करते थे, यानी उसका जो बैकअप लेते थे रीड करने के पहले किसी और दूसरे कोर में, सो दैट के वो कोर जब डिलीट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद तो दूसरे कोर में बैकअप बना रहेगा। तो ये रिसाइकिल टाइम होता था। तो रीड करने के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजी जाती थी वायर के थ्रू, जो वायर कोर में जो वायर है, और उस पल्स के थ्रू ये रीड आउट होता था। तो ये वही चीज मेंशन है कि पल्स जो है वो इंफॉर्मेशन को इरोज कर देती थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि जब रीड होता था तो कॉपी वॉज इमीडिएटली रिटन बैक। तो मेमोरी का जो साइकिल टाइम था वो हमारा एक्सेस टाइम से काफी ज्यादा था। अब बात करते हैं बबल मेमोरी की। तो बबल मेमोरी भी मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी थी ओल्डर डेज में। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी और इसमें क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल की थिन फिल्म यूज होती थी, मैग्नेटिक मटेरियल की थिन फिल्म। तो उस फिल्म में, फिल्म मतलब कि जैसे बबल है हमारा, जैसे साबुन का बुलबुला तुमने देखा है बबल, तो वो उसमें बहुत थिन लेयर होती, बहुत ही पतली थिन फिल्म होती है। और इसी तरह का सेटअप होता था उस टाइम जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल का ये फिल्म बनती थी और उसको मैग्नेटाइज किया जाता था, जिसमें मतलब कि बबल को जिसमें इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता था। तो एक बबल में एक बिट डेटा स्टोर होता था। एक्चुअली उस टाइम की मेमोरी केवीज में भी बहुत बड़ी मेमोरी मानी जाती थी कि मेगाबाइट तक की मेमोरी तो होना बहुत कम संभव था, क्योंकि ओनली कंप्यूटर वॉज यूज फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पज। प्रोग्रामिंग वॉज द टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग एंड मल्टी मीडिया मे नॉट भी नहीं था हमारा, गेम्स और ये सारी जो ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस नहीं होते थे। तो इसमें क्या है कि जितने बबल्स होते थे हर एक बबल क्या था कि वन बिट ऑफ डेटा स्टोर करता था हर एक बबल। तो बबल मेमोरी की जो यूटिलिटी है तो 1970s के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत लो था बट कॉस्ट बहुत हाई थी कि प्रोड्यूसिंग मैनी बबल्स, वेरी मैनी स्मॉल बबल्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल्स वॉज इन्वॉल्विंग वेरी हाई कॉस्ट। So by this we have completed the discussion for magnetic memory. Okay. So next lecture में perhaps आज evening में होगा next lecture, तो उसमें हम discuss करेंगे optical memory, optical disk. Okay. तो इसकी attendance डाल देना group में इस लेक्चर की, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को।